तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में यार हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटरी बनाने वाले हैं। लिथियम आयन 18650 गाइस, जो लैपटॉप में लगता है उसी बैटरी को हम इस पीवीसी पाइप के अंदर सेट करेंगे और इसमें लगाएंगे हम यूएसबी पोर्ट भी लगा देंगे जिससे आप चार्जिंग भी कर पाओ। और इसमें लगाएंगे हम दो पॉइंट लगाएंगे जिससे हम इसको पावर ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो कुल मिला के वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बनाना बिना किसी देरी के। तो सो लेट्स बिगिन इंशाल्लाह ऑन दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो। तो गाइस यार, स्टार्ट करते हैं बनाना बैटरी को। सबसे पहले हम पीवीसी पाइप को लेंगे, कुछ इस प्रकार से आप भी ले सकते हैं पीवीसी पाइप को। उसके बाद हम यहाँ पर इसको हम जी टेप लेंगे नापने के लिए इसको। और यहाँ पर मेरा जो बैटरी है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप की बैटरी है, 18650 है लिथियम आयन। तो मैं इसको नाप लेता हूँ कितना है, उसी हिसाब से कट करना पड़ेगा मुझे। तो कुछ इस प्रकार से मेरा 2.5 इंच की, यानी कि हमारा जो 7 सेंटीमीटर का ये हमारा बैटरी है। और यहाँ पर गाइस हम जो पीवीसी पाइप लेंगे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि 4 इंची का ले लेंगे। और क्योंकि गाइस मुझे अभी तो ये सब सामान भी फिट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा जगह लगने है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा ही कट करूँगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं इस प्रकार से, आप जिससे भी चाहो उससे कट कर सकते हो। तो गाइस इससे हम इसको कट कर लेंगे। तो गाइस यार, मैंने जो है इसको कुछ इस प्रकार से कट कर लिया है। और अब हम इसको बंद करने के लिए कुछ इस प्रकार से पीवीसी पट्टी को, इसी को चौड़ा करके यानी सीट बनाकर उसको कट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इसको फिट करने के लिए कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ के लिए। और गाइस यार, ये मेरा एक 2 पिन वाला ये एक पॉइंट है, इसको हम लेंगे और सर्किट यहाँ पर हम दो छेद कर देंगे। तो एक यहाँ कर देंगे और एक यहाँ, इसके हिसाब से कुछ इस प्रकार से जो इस पर फिक्स हो जाएगा। और तो गाइस यार, मैंने इसको पहले से रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको बना लिया है पीवीसी पाइप को, और यहाँ पर इसको हम फिक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ये फिक्स हो जाएगा गाइस। और इसको हम निकाल देते हैं। और कुछ इस प्रकार से मेरे पास एक सीट है जो कि यहाँ पर इसमें हम फिक्स करेंगे, इसके पीछे वाला साइड पर लगेगा कुछ यहाँ पर। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डाल के लॉक कर देंगे गाइस। तो ये सब फटाफट से कर लेते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे और इसी के अंदर लगाकर इसको लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए हम फेविक्विक का यूज़ करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। फेविक्विक को लेंगे गाइस और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो गाइस इसके सूखने का वेट करते हैं। और यहाँ पर तब तक मैं इसको भी कुछ फिक्स कर लेंगे। इसको फिक्स करने के लिए मुझे स्टड ग्लू गन की सहायता यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बैटरी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डाल दूंगा। तो इसको डालने के लिए गाइस मुझे थोड़ा सा और सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो गाइस यार, इसको मैं थोड़ा, हमारा बैटरी ढील पड़ रहा था इसमें मैंने डबल टेप यू चिपका दिया है। और इसको हम अंदर डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम इस पे यहाँ पर लगा कर इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं किसी पर भी गाइस इस पे हम पॉइंट पे सोल्डिंग कर सकते हैं, इस पे प्लस माइनस की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाद में गाइस इसको हम प्लस माइनस बना सकते हैं। तो फटाफट से, तो गाइस यार अब कर लेते हैं इसके अंदर जल्दी से सोल्डरिंग। सबसे पहले इसको लेंगे, उसके बाद फिर यहीं पर हम लगा कर इसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो thank you.
तो गाइस यार ये इसको अब हम चिपका लेते हैं क्योंकि ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसको हम यहाँ पर हम इस पर लगाएंगे फेविक्विक और इसको हम लगाकर जाम कर देंगे कुछ इस प्रकार से इसको। तो गाइस यार कुछ इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद हम इसको फेविक्विक से चिपका देंगे। तो ये चिपक गया है, लेकिन मजबूती के लिए इसको थोड़ा और मजबूत कर देते हैं। तो भाई यार अब ये काफी मजबूती के साथ चिपक गया है और अब हम इसके पीछे वाले वायर को भी सोल्डर कर देते हैं कुछ इसके पार्ट को। तो इस पे भी हम पहले सोल्डिंग कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको, उसके बाद यहाँ पर इसको हम थोड़ा लगा कर इसके अंदर। इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं गाइस पहले। फाइनली इसको मैंने सोल्डरिंग करने के बाद अब हम इस पर चिपका देंगे इसको फेविक्विक की सहायता से ही चिपकाएंगे गाइस। तो कुछ इस प्रकार से इस पर हम लगा देंगे, उसके बाद इसको हम इसके अंदर डालकर चिपका देते हैं। यार पहले ही चिपक गया था, कुछ इस प्रकार से इसको हम लगाकर इसके अंदर चिपका देंगे। तो गाइस ये बैटरी पावरफुल बनके तैयार हो गया, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा लाइट जलाकर दिखा देता हूँ आपको इससे। तो ये कैसे किया तूने? वो क्या है ना, मैं आई डोंट नो। बैटरी तो मैंने बना दिया है गाइस, अब इसका टेस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बढ़िया किस्म से बना हुआ है। तो यहाँ पर गाइस यूएसबी पोर्ट है जिसमें हम कोई भी पावर बैंक की या फिर हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं लगाकर इसमें। और यहाँ पर जो है दो पॉइंट मैंने निकाल दिया है और गाइस यार इसमें मैंने जो है मार्किंग भी कर दिया है ताकि हमें पता चले कि यह हमारा प्लस है और ये वाला माइनस है। दो पॉइंट इसमें मैंने निकाल दिया है, लाइट को भी जला सकते हैं और इससे पावर ले भी सकते हैं और चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस अब इसका टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर एक LED जो कि 6 वाट का है गाइस, और अभी देख रहे हैं जल रहा है कितना अच्छे तरीके से। तो प्लस वाले को प्लस में अटैच कर देंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट पे, और टच कर दिया है माइनस वाले को माइनस में टच करेंगे। तो गाइस देखना यहाँ पर लाइट जलने लगेगी। तो गाइस आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से यह लाइट ग्लो कर रहा है यार, सच में यार बहुत तेज़ी के साथ जल रहा है, आप देख पा रहे हैं गाइस। तो इसको तो लगाते हैं साइड, और आप देखना गाइस यहाँ पर मेरे पास एक ओक्टा USB पोर्ट है जो लैपटॉप में लगाया जाता है कीबोर्ड माउस और बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। तो इसकी मैं पावर को बंद कर देता है और यहाँ पर गाइस इस बार इसका टेस्टिंग करने वाले हैं यानी कि USB पोर्ट का। तो इसमें मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है तो इसको मैं भी जला दूंगा। तो गाइस अभी देख रहे हैं यहाँ पर इसका लाइट जल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, ये भी काम करता है। और इसमें हम चाहें तो लगा कर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से रख दें गाइस। और थोड़ा सा यार ये, तो गाइस चाहे तो हम इसमें यार लगा कर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और इसमें हम कोई भी लाइट जला सकते हैं जो इससे जलने लायक है। तो गाइस यार अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और बन भी चुका है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं थोड़ा सा इसे मोटर चलाकर दिखा देता हूँ आपको। तो गजरे मेरे पास यहाँ पर एक बड़ा सा मोटर है और फैन भी है, तो इसको भी मैं चलाकर आपको दिखाता हूँ इसी से। तो आप देखना गाइज, तो कहिए ये देखना कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है यार, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है गाइस, सच में यार ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ये घूम रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हवा भी दे रहा है। तो ये था गाइस आज का ये एक्सपेरिमेंट यार, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और अच्छे तरीके से यार ये बैटरी आप बना लो तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा और बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हर जगह आपके।
तो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।